क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठता है कि हम अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स को कहाँ रखें? देखिए, वास्तु के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट को रखने की एक दिशा होती है, पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वास्तु में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रखते हैं तो एक ब्रह्मांड को एक मैसेज जाता है कि हमें अपनी लाइफ में ये चाहिए। आज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं कि मैम हम अपने सर्टिफिकेट्स को कहाँ रखें। तो उसके लिए मैं आपको आज अच्छे से गाइड करूंगी कि आपको अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स कहाँ रखने चाहिए। देखिए, अगर आपको जॉब चाहिए या जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन जो है अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, ग्रोथ की डायरेक्शन है। तो अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ रखते हैं तो एक ब्रह्मांड में एक मैसेज जाता है कि इस इंसान को अपने इन सर्टिफिकेट्स से नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए हैं और प्रमोशन चाहिए, तो वो आपको मिलता है। नेक्स्ट है कि अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को घर की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो जो सिलेक्शन पैनल होगा उसको आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, आपकी स्किल की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो घर से जाते समय अपने सर्टिफिकेट्स को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखिए और जब तक जॉब नहीं मिलती है उन्हें वहीं रहने दीजिए। अब बात आती है कि आप अगर अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आप उसमें दक्ष हो जाएं, यानी कि उसकी हर बारीकी को आप अच्छे से समझ जाएं, तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को रखिए घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्किल की डायरेक्शन है, और अगर अपने सर्टिफिकेट्स को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप अपने उस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप जिस भी कोर्स से आपने वो सर्टिफिकेट लिए हैं उसमें आप दक्ष हो जाएंगे, आपकी स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने प्रोफेशनल स्टडी तो कर ली, आपने सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं, बट उससे रिलेटेड प्रॉफिट लेने में या काम करने में आपको वो पावर और कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, तो पावर एंड कॉन्फिडेंस के जोन में इन सर्टिफिकेट्स को रखिए, यानी घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। आप जैसे ही इन सर्टिफिकेट्स को साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रखेंगे, आपको अपनी उस नॉलेज को लेकर, अपने उस प्रोफेशन को लेकर, जो भी प्रोफेशनल आपने सर्टिफिकेट लिए हैं उस नॉलेज को लेकर आपके अंदर एक पावर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब अगर आपके पास अच्छी जॉब भी है, आप स्किल में भी अच्छे हैं, आपके स्किल में भी पूरी तरह से दक्ष हैं, आप में पावर एंड कॉन्फिडेंस भी है, बट एक चीज जो मिसिंग है वो है अप्रिसिएशन। नेम, स्टेटस, पावर, अप्रिसिएशन, यानी आपको चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें आपकी स्किल के लिए, आपका नाम हो, आप एक ब्रांड बने, तो आप अपने इन सर्टिफिकेट्स को रखिए साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन आपको नेम फेम देगी, अप्रिसिएशन देगी, तो अपने इन सर्टिफिकेट्स को साउथ डायरेक्शन में रखिए। अब अगर आप इन सर्टिफिकेट से जीवन में बहुत ज्यादा गेन लेना चाहते हैं, आप अपनी विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं, तो वेस्ट इज बेस्ट डायरेक्शन, वहां पे जाकर इन सर्टिफिकेट्स को वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। आप इन्हें वॉल पे भी चिपका सकते हैं, अगर वॉल में चिपकाना पॉसिबल नहीं है तो वहां आई हुई किसी भी अलमीरा में, किसी भी कबर्ड में, किसी भी अगर वहां पे कोई रैक है वहां रख सकते हैं। देखिए, वेस्ट डायरेक्शन हो, नॉर्थ डायरेक्शन हो, जहां स्पेस मिले हमें उस डायरेक्शन में इनको प्लेस करना है। जैसे ही हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें उस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो यूनिवर्स को, हमारे सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है कि हम इन सर्टिफिकेट से चाह क्या रहे हैं। तो होप करती हूँ आपको क्लैरिटी से समझ आ गया होगा कि आपको अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स को कहाँ रखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह से बेनिफिट लेना चाहते होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये मैसेज हो सकता है उसके पास चला जाए जिसे आज जरूरत है, वो इस वीडियो को देखकर अपने सर्टिफिकेट्स को किसी एक पर्टिकुलर जोन में रखकर उससे अच्छे रिजल्ट ले लें, तो ये आपके कर्मास में ऐड होगा। तो जरूर जरूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।